नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। जल्द ही बिहार के तकरीबन 12.5 लाख नए मतदाताओं को सरकार मतदाता पहचान पत्र देने जा रही है। ऐसे में अगर आप भी बिहार के नए मतदाताओं में से एक हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। हाल ही में हुए राज्य कैबिनेट की बैठक में ये तय हुआ है कि बिहार सरकार बिहार के सभी नए मतदाताओं को मुफ्त में मतदाता पहचान पत्र देगी। जारी आदेश के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के आलोक में नव पंजीकृत निर्वाचकों को फ्री ऑफ कॉस्ट ईपिक डिलीवरी करवाया जाएगा। इसको लेकर इस बार कोलकाता की सरस्वती प्रेस को इस काम में लगाया गया है। इसी प्रेस के पास पहचान पत्रों की छपाई और डिलीवरी का ऑर्डर भी दिया जाएगा। बीते दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में सभी नव पंजीकृत मतदाताओं को 31 मार्च तक मुफ्त मतदाता पहचान पत्र देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। आयोजित बैठक में अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की माने तो राज्य में करीब 12.35 लाख नए पंजीकृत मतदाता हैं, जिन्हें मुफ्त में वोटर पहचान पत्र दिया जाना है। उम्मीद है कि 31 मार्च तक मतदाताओं को पहचान पत्र मिल जाएगा। इसको लेकर छपाई और डिलीवरी की जिम्मेदारी सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस कोलकाता को दे दी गई है। आपको बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें व्यक्ति की पहचान उसके मतदान करने से होती है, जिस पर देश का भविष्य निर्भर करता है। मतदान का उपयोग करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना बहुत जरूरी है। जिन व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में जुड़ा होता है, वही व्यक्ति मतदान कर सकते हैं। मतदान करने के लिए व्यक्ति के पास वोटर कार्ड का होना अनिवार्य है, इसके बिना वो मतदान नहीं कर सकता है। यही कारण है कि हर साल मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता किसी भी चुनाव का हिस्सा बन सके, क्योंकि चुनाव के समय में हर एक मतदाता के मत की अहम भूमिका होती है, क्योंकि केवल एक ही वोट से किसी भी प्रत्याशी की किस्मत का फैसला हो सकता है। यही कारण है कि निर्वाचन आयोग भी समय समय पर मतदाता सूची से नए नए मतदाताओं को जोड़ने का काम करते रहती है। वहीं देश का नागरिक होने के प्रमाण के रूप में भी वोटर आईडी कार्ड बेहद ही अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए भी बहुत जरूरी है कि सभी को समय पर मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाए। हालांकि अब तो बिहार के 12 लाख नए मतदाताओं को मुफ्त में मतदान पत्र देने का काम किया जाना है, इससे आने वाले समय में होने वाले चुनावों में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की संख्या भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।